केंद्र मंत्री उमा भारती अपने कानपुर दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने सरसैया घाट से लेकर बैराज घाट का स्टीमर से निरीक्षण किया और सीसामऊ नाले की टेपिंग होने के बाद गंगा में सीवरेज बंद होने पर खुशी जाहिर की। केंद्र मंत्री उमा भारती ने हर हाल में गंगा को निर्मल करने की बात कही। आज मैंने सीसामऊ में देखा 14 करोड़ लीटर गंदा पानी रोज गिराने वाला नाला मुझे अपना दुश्मन लगता था। ये मुझे सपनों में आता था और मेरे सीने में बहता था और ये मुझे लगता था कि इस दुश्मन को मैं कौन से तोप के गोले से उड़ाऊँ। जब मैं आती थी और पूरी दुनिया में जो हमारी बदनामी होती थी गंगा जी को लेकर, उसमें सीसामऊ का नाला ही है जो दिखाया जाता था। मुख्यतः सीसामऊ के नाले को हमने ट्रीट किया, पुराने के ऊपर नया एडिशन करके फिनिशिंग टच करके उसको किया है और आज मैंने उस नाले को जीरो डिस्चार्ज पे देखा है। आज सीसामऊ का नाला देखने के बाद ही मैंने तय किया था, इसलिए आज मैं पहली बार सिद्धनाथ का अभिषेक करने गई। सिद्धनाथ का छूट जाता था क्योंकि उधर को है, आज मैं पहले सिद्धनाथ के गई और मैंने सिद्धनाथ को ही कहा कि बाबा अब आज सीसामऊ का नाला देखूंगी मैं और फिर समझूंगी कि वास्तव में गंगा को निर्मल करने के लिए और क्या क्या शेष रह गया है। घाट भी बन गए, मैंने घाट भी देख लिए, बहुत सारे घाटों के मैंने उद्घाटन भी कर दिए। मैंने कहा ना, नितिन जी ने कहा कि तुम ही मंत्री हो, यही सोच के तुम काम किया करो गंगा पे। राजयोग से चला, अब या तो राजयोग में हठयोग मिल जाएगा या अकेला हठयोग हो जाएगा, लेकिन गंगा को अविरल और निर्मल करके रहूंगी। वहीं केंद्र मंत्री उमा भारती के 1984 के सिख दंगों में आरोपियों को सजा सुनाए जाने पर खुशी जाहिर की और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। 84 के दंगों में कांग्रेस के नेताओं का खुलेआम हाथ था। उन दिनों आप लोग नहीं थे, प्राइवेट मीडिया नहीं था, नहीं तो बिल्कुल सामने देखते लोग आपको उकसाते हुए भीड़ को कि मार डालो ऐसा कहते हुए लोग आप वीडियो शूट कर लेते और दिखा देते पूरी दुनिया के सामने, एक्सपोज हो गए होते वो लोग। जो लोग चश्मदीद गवाह थे उनके आधार पर सजाएं हो रही हैं और इतने लंबे ट्रायल हुए हैं कि इसमें संदेह नहीं हो सकता है, जो जिनके भी नाम आ रहे हैं। अब कांग्रेस को अपनी नैतिकता दिखानी, इसलिए तो हमें कांग्रेस मुक्त भारत की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बात व्यक्तियों की नहीं है, बात है सोच की कि आप सोच क्या रखते हैं। आप इस वजह से लोगों को मार डालेंगे क्योंकि एक ऐसी घटना हो गई और आप खुलेआम छूट देंगे कि मार डालो लोगों को। और वो जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब धरती कांपती है तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, तो इसलिए ये सब बातों का जो परिणाम आया था उसमें ये तो अपने कांग्रेस को अपने नैतिक आधार पर इस पर विचार करना है कि उनको ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए। मैंने सुना है कि उन कुछ पार्टियों ने बहिष्कार भी किया है सज्जन कुमार जी के फैसले के बाद में, जो शपथ में जाने वाली थी, कुछ पार्टियां फिर गई नहीं हैं। ये कांग्रेस की नैतिकता का तकाजा है, उन्हें फैसला करना होगा। जो सत्ता में होते हैं तो वो सोच को और पावरफुल होकर के लागू करते हैं, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का जो हमारा विचार है वो तो कायम रहेगा, उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि केंद्र में अभी हमारी सरकार है और हम कोशिश करेंगे कि केंद्र में पहले से भी ज़्यादा मतों से हमारी सरकार बने और भारत कांग्रेस से मुक्त हो, क्योंकि कांग्रेस एक अंग्रेज के द्वारा स्थापित संस्था है। ये भारतीय, इसमें भारतीय तो है ही नहीं, और एक विदेशी महिला का नेतृत्व अभी भी है, मतलब ये पूरी तरह से विदेशी मानसिकता की पार्टी है। और अगर इनको वोट मिल जाते हैं तो उसका कारण ये होता है कि हमारी तरफ से कोई कमी छूट जाती है, तो इसलिए अच्छा रहा कि ये तीन राज्यों का जो परिणाम आया है इससे हम बहुत सारी बातें सोचेंगे, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत के संकल्प पे हम कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद ये साफ हो चुका है कि 84 के दंगों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हाथ था। उस समय अगर प्राइवेट मीडिया होती तो कांग्रेसियों का चेहरा कब का सामने आ गया होता। 2014 की लोकसभा चुनाव में उमा भारती ने गंगा को निर्मल करने की कसम खाई थी, लेकिन आज भी ऐसे कई शहर हैं जहां गंगा में सीधे शहर के सीवर का पानी बहाया जा रहा है। गंगा को अगर निर्मल करना है तो ऐसे शहरों में इन सीवरों पर रोक लगानी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।